अगर आपका ई एस आर 100 से ज्यादा आता है या 100 के आसपास आता है तो ये संभव है कि आपको कुछ बड़ी बीमारी हो सकती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, आपके जोड़ में दर्द हो, या कोई ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो, या कोई टेम्पोरल आर्थराइटिस हो। आमतौर पर टेम्पोरल आर्थराइटिस जो यहाँ सिर में दर्द होता है और यहाँ की नसें सूज जाती हैं, ये हमारे देश में ज़्यादा नहीं पाई जाती है। या किसी को हो सकता है कैंसर हो जो कि स्प्रेड कर रहा हो, ऐसी स्थिति में ई एस आर बढ़ा हुआ बहुत ज़्यादा मिल सकता है। और अगर ऐसी स्थिति आती है कि ई एस आर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर के उस ई एस आर की वजह को जानने की कोशिश करें और उसका सही इलाज करने का प्रयास करें। लेकिन आप ये ना समझें कि आपको कैंसर हो गया है या टीबी हो गया है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं है। हमने आपसे जिक्र किया कि अगर ई एस आर जो है 100 के आसपास हो तो क्या हमें टीबी के लिए, कैंसर के लिए परेशान होने की आवश्यकता है। देखिए, आप अपने टेस्ट करवा लीजिए, डॉक्टरों को भी प्रयास करके कोशिश करके ढूंढने की बीमारी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लगभग 2% लोगों में ई एस आर जो है इतना ज़्यादा हो सकता है, यानी कि लगभग 100 के आसपास हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि कोई बीमारी ना मिले। अगर कोई बीमारी नहीं मिलती है तो आप चिंतित ना हो, अपने ई एस आर टेस्ट को लगभग 2 महीने के बाद दोबारा कराएं। हैं कि हमारे इस वीडियो से आपको ई एस आर के बारे में जुड़ी हुई भ्रांतियाँ कम हुई होंगी और आप जो है अब ई एस आर के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों में इसकी चर्चा कीजिए और आप जो है कृपया करके लाइक का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि जब आप लाइक का बटन दबाते हैं तभी YouTube जो है इस प्रकार के वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। धन्यवाद।